गुड मॉर्निंग, मोहित शर्मा, लेक्चरर, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। सब्जेक्ट नेम स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। सब्जेक्ट कोड EE309। यहाँ अपन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में जानेंगे। इससे पहले अपन ने बकोज रिले का फंक्शन देखा था इंटरनल फॉल्ट्स के लिए। बकोज रिले में क्या होता है, समटाइम्स इतनी गैस प्रोड्यूस नहीं होती कि रिले ऑपरेट हो जाए, तो बहुत ही कम गैस प्रोड्यूस होने के कारण रिले ऑपरेट नहीं हो पाती बकोज रिले। इसलिए मॉडर्न डेज में अपन क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग के दोनों तरफ सीटीज लगा देते हैं। सीटी की प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी की सीरीज में कनेक्ट की जाती है, जबकि दोनों सीटीज की सेकेंडरी वाइंडिंग को इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि उनकी जो डिफरेंशियल करंट है वो किस में से पास होए, ऑपरेटिंग कॉइल से पास होए और रिस्ट्रेनिंग कॉइल से पास होए। तो यहाँ पे सेकेंडरीज सर्किट को इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है दो कॉइल्स के थ्रू। एक कॉइल होती है ऑपरेटिंग कॉइल, दूसरी होती है रिस्ट्रेनिंग कॉइल। यहाँ पे जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ जो सीटीज है, अगर ट्रांसफॉर्मर स्टार स्टार है तो जो सीटीज होंगे उनका जो कनेक्शन होंगे वो डेल्टा डेल्टा होंगे। अगर डेल्टा डेल्टा है ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी, तो सीटीज की जो वाइंडिंग होगी वो स्टार स्टार में होगी। तो ये अपन को इस तरह से चूज करना है। तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस जो डिफरेंशियल करंट की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। लेकिन जैसे ही फॉल्ट आता है तो प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होएगा, करंट का डिफरेंस होएगा। उस डिफरेंशियल करंट काय से गुजरेगी, ऑपरेटिंग कॉइल से गुजरेगी और रिले क्या हो जाएगी, ऑपरेट हो जाएगी। तो रिले को ऑपरेट करने के लिए अपन को एम्पियर टर्न्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉइल फॉल्टी कंडीशन में किससे ग्रेटर देन होंगे, एम्पियर टर्न्स ऑफ रिस्ट्रेनिंग कॉइल। अगर एन नॉट नंबर ऑफ टर्न्स इन ऑपरेटिंग कॉइल है और एन आर नंबर ऑफ टर्न्स इन रिस्ट्रेनिंग कॉइल है, तो एम्पियर टर्न्स फॉर ऑपरेटिंग कॉइल की वैल्यू निकालेंगे कितनी होगी, वो करंट कितनी जा रही है इसके अंदर से, ऑपरेटिंग कॉइल के अंदर से करंट जा रही है आई डी और नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें एन नॉट, तो आई डी इंटू में एन नॉट वो काय से ग्रेटर होने चाहिए, एम्पियर टर्न्स ऑफ रिस्ट्रेनिंग कॉइल कितने, रिस्ट्रेनिंग कॉइल के टर्न्स एन आर है तो आई वन इंटू में एन आर बाई टू प्लस आई टू इंटू में एन आर बाई टू। एन आर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन रिस्ट्रेनिंग कॉइल, तो आई डी एन नॉट काय से बड़ा होना चाहिए। यहाँ से अपन ने क्या कॉमन ले लिया, एन आर बाई टू कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में बचा आई वन प्लस आई टू। तो आई डी करंट्स को एक तरफ ले जाएंगे, एन आर अपन में एन नॉट लेस देन होना चाहिए आई डी अपन में आई वन प्लस आई टू बाई टू। एन आर अपन में एन नॉट को अपन बोलते हैं बाइसिंग, परसेंटेज बाइसिंग। तो जितनी भी ये ट्रांसफॉर्मर है जिनमें सफिशियंट अमाउंट ऑफ गैस प्रोड्यूस नहीं होती, तो वहाँ पे अपन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज करते हैं। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन मॉडर्न डेज में यूज़ किया जा रहा है। थैंक यू।